में नैन का ड्रीम हाउस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमारी देवभूमि उत्तराखंड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भागवत कथा लगाने जा रहे हैं, हम महिलाएं सब मिलजुल के। और भागवत कथा शुरू होने जा रहा है, कल से भागवत कथा शुरू होने जा रहा है। कल सुबह गणेश पूजन है, उसके बाद फिर कलश यात्रा है। आज सब महिलाओं ने मिलकर पूरा सफाई की, पंचायत घर का पूरा साफ सफाई करके थके एकदम परेशान हो रखी महिलाएं। सुबह से कुछ भी नहीं खा रखा इन्होंने। ये देखिए अभी हाथ थोड़ा में सा नमकीन चाय है, अभी नमकीन और चाय लेके बैठे हैं सब। अभी बोलिए गन्ने माने अलमान पगड़े पाने गुना और खाली में गन्ने यही है क्या बोलिए बन्नू जो भी सीमा आपने सुबह से मेहनत कर रखा, पोछा उछा लगाया, पोछा लगाया जो है ना सब कुछ करे बताने बोलो। हाँ, भगवान के लिए हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पूरे गंदे की साफ कर रहे हैं। भगवान का आगमन के लिए कल कलश यात्रा है, आज साफ सफाई करके हम अभी नाश्ता खाने के लिए बैठिए। आइएगा, आइएगा, जरूर जरूर आइएगा भगवान के दर्शन के लिए। और ये बैठे हैं कमला थापा जी। हेलो नैनका ड्रीम हाउस, हम लोग सुबह से आए थे, बहुत गंदा था यहाँ पे, इतना गंदा था कि हम सांस भी नहीं ले पा रहे थे। कचरा निकाला, लेकिन हम लोगों ने, हमारी महिलाएं, मैं सबसे पहले मैं अपनी नीरा को धन्यवाद देना चाहती हूँ, बेचारी उसने पूरा वो किया। फिर एक ट्रैक्टर महिला हम कबाड़ निकाल के हमने भेज दिया, अंदर झाड़ू पोछा किया। इतने में हमारी सीमा बहन आ गई अनार वाले से, हिलती डुलती, फिर उन्होंने भी झाड़ू पोछा किया। और खनाल तो हमारी खड़ी रही सिर पे, उसने कुछ नहीं किया, ऐसे नहीं किया, बहुत कुछ किया है, चाय बनाया है, ऐसी ऐसी हमारी महिला देख लो। और आप भी कुछ बोलिए। बस मैं तो काम कर करके थक रखी हूँ, मेरे दोनों हाथ सूज रखे हैं। और ये देखिए हमारा नाश्ता चाय है, और हंसी भी नहीं आ रही है। और कुछ बच्चे आ चुके हैं मथुरा वृंदावन से, म्यूजिक वाले बच्चे, उनको अभी खाना दे के आए हैं हम लोग। और जो भागवत व्यास जी हैं, भागवत कथा लगाने वाले, वो लोग अभी 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। और ये दुर्गा मंदिर है, और आप लोग बने रहिएगा, और आप लोग भी आइएगा कलश यात्रा में, और सहयोग देने की भी कृपा कीजिएगा, और बने रहिएगा वीडियो में। मिलती हूँ आगे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भागवत कथा शुरू हो चुकी है, अब गणेश पूजन होगा, उसके बाद फिर कलश यात्रा होगी। ये देखिएगा, बने रहिएगा वीडियो में। जय जय लेकिन आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। ब्रह्मवंदन नमः
मंतव्य आतताई बदाहरण, कि भाई ब्राह्मणों को नहीं मारना चाहिए लेकिन आतताई को छोड़ना भी सभी प्रकार के दूर हो, समाज में मान प्रतिष्ठा जस यश कीर्ति मिले, दिन प्रतिदिन प्रगति प्रगति के मार्ग में आपके कदम आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए अब आज और बाकी के 5 दिन बचे हैं, भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन उत्सव भी है, सबके आप लोगों को भी तैयारी करना है। अब परसों जो है 11 थाली की आरती होगी, परसों जो है सब लोगों को आरती की व्यवस्था करना है, सब लोग भगवान के लिए जो है यहाँ पर माध्यम मिश्री का भी व्यवस्था होगी। तो आप लोग अपने अपने तरीके से साड़ी पहन के आइएगा, सब लोग हो सके तो पीला लाल गुलाबी जो भी आपके पास है व्यवस्था है वो कर लीजिएगा। Thank you.